हाय गाइस, वेलकम टू सकर ट्रेडर्स। सकर ट्रेडर्स में मैं कोशिश करता आपके साथ आज मंडे का मार्केट सिनेरियस क्या रहेगा। तो सबसे पहले मार्केट गैप अप होने वाला है 100 to 150 पॉइंट। कैसे गैप अप हो रहा है ना, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट्स जो हमें दिख रहा है अभी, वो ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट्स लगभग 150 पॉइंट पॉजिटिव एसजेक्स निफ्टी, ओके 150 पॉइंट पॉजिटिव एसजेक्स निफ्टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे इंडियन मार्केट कैसे ओपन होगा, तो नियर अबाउट 100 से 150 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो सकता है इंडियन मार्केट। बट जब जब गैप अप ओपनिंग होता है तब तक हमारा ट्रेडिंग सेटअप को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसे डिस्टर्ब सेंटीमेंट्स में हमें आज इंटरडे कैसे प्रॉफिट कमा के निकालना है उसका बात मैं करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जिन लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब मत कीजिएगा, एक दो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको समझ में आता है मेरा समझने का तरीका एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का जो व्यू, जो स्टॉप लॉस आपको अगर साथ देता है, तभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल सर्च करके मत लाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक से ही लाइएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे हम ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या देख रहे हैं। तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स की अगर बात करें तो सारे मार्केट यूएस का मार्केट, यूरोप का मार्केट, एशियन मार्केट सब पॉजिटिव। तो 173 पॉइंट निफ्टी अभी पॉजिटिव चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो इससे ये क्लियर होता है 120 से लेके 150 पॉइंट गैप अप तो मार्केट हो ही सकता है। 120 से 150 पॉइंट निफ्टी हमारा गैप अप हो सकता है। तो 120 पॉइंट अगर निफ्टी गैप अप होगा तो बैंक निफ्टी कितना गैप अप होगा वो भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे बैंक निफ्टी का कौन सी कॉल पुट का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा और निफ्टी का कौन सी कॉल पुट का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं और बात करेंगे कौन से स्टॉक, जिन लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहते स्टॉक। तो सबसे पहले निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा फोकस डालते हैं कि निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मॉर्निंग पे आपको मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पे आज का जो रेजिस्टेंस होगा निफ्टी का वो रहेगा 18,622 और 18,645। ये दोनों लेवल मार्क कर लेना, इसका बीच में आपको ट्रेड नहीं करना। अब होता क्या है, जब भी मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है तो आपको वेट करना है, तुरंत कोई पोजीशन नहीं लेना है। अगर आपने कॉल पोजीशन बनाए रखे थे तो आपको 50% में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 50% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलते रहिए, ओके। तो फर्स्ट 5 मिनट हमने देखा क्या सिनेरियस बनाया, मान लो ये सिनेरियस बनाया फर्स्ट मिनट। अब ओपन होने के बाद थोड़ी सी और पॉजिटिव गया, उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव आया। तो फर्स्ट 5 मिनट का लो को ब्रेक होने दो। अगर आपका फर्स्ट 5 मिनट का लो 18,622 लेवल को ब्रेक होकर और डाउन आता है तो यहाँ से आपको साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा 18,600 से नीचे आएगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है 18,560 जो ये लेवल है यहाँ तक मार्केट को एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ओके। और ऐसे सेंटीमेंट्स में मैं निफ्टी का चार्ट के साथ समझाऊंगा आपको, निफ्टी का चार्ट के साथ आपको कैसे लगेगा और कौन सी कॉल कौन सी पुट के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। तो हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो कितनी ऊपर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर सीधे सीधे सुबह के प्रॉफिट बुकिंग आता है तो हो सकता है 18,550 या ऐसे लेवल पे कोई आके सपोर्ट लेके, यानी कि मार्केट आपको परेशान ज़्यादा कर सकता है। बहुत ही रेयरली होता है कि सुबह इतना गैप अप होने के बाद फिर जाके पॉजिटिव हो जाए, बहुत कम होता है, ओके। तो हमारा सेंटीमेंट समझ में आ गया कि मैं क्या बता रहा हूँ, मार्केट डाउन नहीं है, मार्केट अप है, बट इतनी गैप अप होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में जरूर आता है, उस पर ध्यान देना। मॉर्निंग मंडे का मॉर्निंग सुबह 5 to 10 मिनट कोई ट्रेड मत कीजिए। रिक्सी ट्रेडर जो है, जो मैं सेंटीमेंट्स बता रहा हूँ इसके ऊपर का ऐसे ही काम हो रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर का एसएल लगा के आप पुट ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हो। जिनके पास कॉल ऑप्शन होल्डिंग है वो सुबह सुबह एक बार 50% में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये गया आपको निफ्टी का सिनेरियस। अब आ रहा हूँ बैंक निफ्टी का सिनेरियस। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियस पे कॉल एंड पुट मैं ध्यान दे रहा हूँ। 44,000 का कॉल जिसका ओपनिंग 300-325 का ऊपर तो होना ही चाहिए और फर्स्टली ये 400 तक का एक टारगेट दिखाएगा, 375 से लेके 400 तक का टारगेट दिखाएगा। अगर 44,000 का कॉल इससे भी ऊपर स्टेबल हो जाता है तो और ऊपर मार्केट जा सकता है। 44,200 का पुट, इसका जो सपोर्टिंग जोन मैं देख पा रहा हूँ अभी 367 पे क्लोजिंग हुआ है, 200 and 220 ये एक जोन है जहाँ पे ये सपोर्टिंग जोन बना सकता है 44,200 का पीई। अब मैं आता हूँ निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का इस कॉल एंड पुट के ऊपर क्या ध्यान देंगे,
ना इस कॉल एंड पुट आपको अभी कोई लेबल मैं खास नहीं दे रहा हूँ, आप सिर्फ इसके ऊपर ये ध्यान देना कि ये जो निफ्टी का लेबल है ये सुबह का 5 मिनट क्या बना रहा है, 5 मिनट का लो जिस साइड में। देखो अगर पुट साइड 5 मिनट में बहुत बड़ा कैंडल बना रहता है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत लॉन्ग हो जाता है। ओके, स्टॉप लॉस बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि इसने रेंज क्या बना रहा है। तो जो 18,500 का कॉल है इसका ओपनिंग तो आपको 130-140 के ऊपर ही होगा, इसका ओपनिंग 130-140 के ऊपर ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बनेगा आपको थोड़ा सा खुद का नॉलेज बनाइए तो आपको समझ में आएगा। मेरा यहाँ पे देखिए नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब दे रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो 120 के बाद इसका जो आज का टारगेट मैं बनाऊंगा, तो आज का टारगेट मैं 150 तक, 150 तक या फिर 170 तक बना सकता हूँ। तो हर रोज मॉर्निंग पे जो मैं आपको कॉल एंड पुट के ऊपर व्यू दे के जा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, और अगर काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और साथ में ये जो लेवल ये आपको कितनी काम आ रहा है, आपने इस लेवल को समझ रहे हो। देखो कल रात को हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, ये आपको उसका थंबनेल है, आप देख रहे हैं, इंक्रीज योर नॉलेज इन द स्टॉक मार्केट। ये जो आपको बता सकता है सब कुछ, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो बहुत मिस कर रहे होंगे, इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली बहुत डीपली एनालिसिस समझाया गया है। तो गाइस आज मॉर्निंग अपडेट में इतना ही, मंडे मॉर्निंग सावधान रहिएगा, मिनिमम ट्रेड कीजिएगा, प्रॉफिट को घर लेके जाइएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।